हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल बेसिक विज्ञान में, जहां मिलेगा आपको ढेर सारा विज्ञान का ज्ञान। दोस्तों, COVID-19 का खतरा टला ही नहीं है, चाइना फिर से लेके आ गया दोस्तों और एक महामारी का खतरा, जिसका नाम है दोस्तों ब्लैक डेथ यानी बुबोनिक प्लेग। दोस्तों, जैसे आपको पता है, चाइनीज लोग कोई भी जानवर को छोड़ते नहीं है, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, बिल्ली हो या फिर चूहा हो, किसी को नहीं छोड़ते, जिंदा या मुर्दा या फिर जिंदा उबाल के खा लेते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वो जिंदा बंदर का दिमाग निकाल के खा लेते हैं। चाइनीज लोगों की यही गंदी खान पान की आदत फिर से लेके आ रहा है दोस्तों बुबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ। ये वही प्लेग है दोस्तों जो सदियों से करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं बुबोनिक प्लेग के बारे में। बुबोनिक प्लेग एक बैक्टीरियल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि रैट फ्ली के माध्यम से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये फैलता कैसे है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम है यार्सिनिया पेस्टिस, जो कि रैट फ्ली के शरीर में पाया जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड फ्ली एक जानवर को काटने के बाद वो दूसरे जानवर के शरीर में जाता है, उसको काटता है या फिर उसके शरीर में प्रवास करता है, तो उसी समय जो पहले जानवर था उसके शरीर से दूसरे जानवर के शरीर में यार्सिनिया पेस्टिस फैलता है। अब दोस्तों, आपके मन में यही सवाल आता होगा कि ये जानवरों से इंसानों में आता कैसे। बुबोनिक प्लेग एक जूनोटिक डिजीज है दोस्तों, जो कि कोई भी जानवर से इंसानों में ट्रांसमिट होता है। पहले जानेंगे जानवरों से इंसानों में कैसे आता है। तो दोस्तों, अगर कोई जानवर यार्सिनिया पेस्टिस से इन्फेक्टेड है और कोई इंसान उसे खा लेता है, तभी यार्सिनिया पेस्टिस, जो ब्लैक डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इंसानों में आता है। या फिर कोई इन्फेक्टेड जानवर अगर मरा पड़ा है और उसके एक्सपोजर में कोई इंसान आता है, तो उसी समय भी उसको बुबोनिक प्लेग ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। अब बात आई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की। अगर कोई इंसान बुबोनिक प्लेग से पीड़ित है, उसके क्लोज कांटेक्ट में आने तक ट्रांसमिशन का खतरा नहीं है दोस्तों। वैसे भी दोस्तों, बुबोनिक प्लेग, सेप्टिसेमिक प्लेग में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का खतरा बहुत ही कम रहता है और ये रेयरली पाया जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में सबसे ज्यादा न्यूमोनिक प्लेग से होता है। इसलिए दोस्तों, नॉर्दर्न चाइना की बायनूर हेल्थ कमीशन ने करीबन एक साल तक कोई भी जानवर ना खाने का सलाह दिया है। बुबोनिक प्लेग के यानी ब्लैक डेथ का लक्षण क्या है? पहला दोस्तों, शरीर में गांठे पड़ना, और ये गांठे लिम्फ नोड के सूजने से या फूलने से बनते हैं। ये बनते हैं पेट और जांघ के बीच, गले में या फिर आर्मपिट यानी कांख में, और दोस्तों फुला हुआ जगह थोड़ा टेंडर और वार्म रहता है। दूसरा दोस्तों, फीवर का आना। तीसरा दोस्तों, चिल और कॉफिंग होना। चौथा दोस्तों, हेडेक होना, फैटिक होना या फिर मसल्स एक होना, और दोस्तों स्वेलिंग। लिम्फ नोड को प्लेग बुबोस कहते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 24 घंटे के अंदर इसका इलाज जरूरी है दोस्तों। समय पर ट्रीटमेंट ना मिलने पर मौत हो सकती है। आइए दोस्तों, जानते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है, कोई जिंदा या मुर्दा चूहे से दूर रहे। हालांकि दोस्तों, इसका वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन बहुत सारे देशों में इसका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं है। बुबोनिक प्लेग के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों एंटीबायोटिक उपलब्ध हैं। इन्फेक्टेड होने के 24 घंटे के अंदर ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। बुबोनिक प्लेग यानी ब्लैक डेथ का इतिहास बहुत लंबा है दोस्तों। 14वीं सदी से दोस्तों ये करोड़ों लोगों की जान ले चुका है। 1855 में चाइनीज प्रोविंस यूनान से होते हुए पूरे विश्व भर में फैल चुका था, और दोस्तों 1950 तक करीबन 200 मिलियन लोगों की जान ले चुका था। अभी दोस्तों, नॉर्दर्न चाइना में इनर मंगोलिया के अंदर बायनूर शहर में लेवल 3 वार्निंग जारी किया गया है। 2 केसेस कन्फर्म होने के बाद 146 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। बस दोस्तों, आज के बेसिक विज्ञान में प्लेग के बारे में इतना ही। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ढेर सारा विज्ञान का ज्ञान पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ज्यादा विज्ञान का ज्ञान आपके लिए ला सके। थैंक यू दोस्तों।